केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए कमेटी गठित कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है। उनकी ओर से नाम आने का लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोषित कर अब गेन MSP की गारंटी मांगने वाले किसानों के पाले में डाल दी है। इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये कमेटी MSP और प्रभावी व पारदर्शी बनाने का काम करेगी ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक अब भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने पर 3 सदस्यों को शामिल किया जाएगा, यानी कमेटी में जगह मिलेगी। सरकार ने दूसरे किसान संगठनों से 5 नाम शामिल किए हैं। इनमें गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुड़ी प्रकाश और पाशा पटेल का नाम भी शामिल है। इनमें से अधिकांश नाम सरकार समर्थक हैं। इनमें सहकारिता क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस क्षेत्र से इफ्को के चेयरमैन और बता दें कि सहकारिता व कृषि विशेषज्ञ के नाम शामिल हैं। वहीं कमेटी गठन के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि संसद में MSP को लेकर विपक्ष क्या सवाल उठाएंगे। कृषि विभाग के सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, सहकारिता और वस्त्र मंत्रालय के सचिव को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के कृषि आयुक्त भी इसमें शामिल किए गए हैं। संयुक्त सचिव को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही इस कमेटी का ऐलान करके केंद्र सरकार ने अब विपक्ष और कुछ किसान संगठनों को प्रेशर में ला दिया है। अब वो MSP पर क्या सवाल उठाएंगे ये देखना होगा। वहीं आपसी झगड़े में उलझे संयुक्त किसान मोर्चे ने अब तक कमेटी के लिए 3 नाम नहीं दिए हैं। उसी के इंतजार में कमेटी गठित करने में इतनी देरी हुई है। देखना ये है कि अब नाम देने को लेकर मोर्चे में झगड़ा और बढ़ेगा या फिर जल्द ही सरकार को ये लोग नाम दे देंगे। वहीं MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, संगठनों के नेता और विपक्षी दलों के लोग बार बार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। बोल रहे थे कि सरकार MSP की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में न सिर्फ सबसे ज्यादा किसानों को MSP के दायरे में लाने का काम किया, बल्कि अब कमेटी गठित करके अपने विरोधियों के मुंह बंद करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।